नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोलते सक्सेना आप लोगों के साथ आई नजर डालते हैं खास खबर पर। आज नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के समर्थन में शिवम आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद गुरु जी ने जन जागरण किया। आज बुधवार 8 जनवरी 2020 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के समर्थन में शिवम आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद गुरु जी ने बाजना, हमजापुर, शकतपुर, नबीपुर, बारोट, राघव, घड़ी, भूर, घड़ी, मिठोली, गाने का भर्तियां खानपुर में पत्रक सौंपकर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का समर्थन करते हुए जन जागरण किया। और स्वामी जी ने कहा, भारत एक सांस्कृतिक मूल्यों एवं आध्यात्मिक संस्कृति को मानने एवं पालन करने वाला राष्ट्र है। हजारों वर्ष का इतिहास भारत की इस विशेषता को दर्शाता है। इस देश में विभिन्न मत, पंथ, संप्रदाय, खान पान, वेशभूषा, बोलियों और भाषाओं को मनाने वाले सदैव से परस्पर सौहार्द से रहते आए हैं, परंतु कुछ शताब्दियों से राजनीति कारणों से राष्ट्र में अलगाव और सामाजिक विषमता को जानबूझकर और जबरन समाज में स्थापित किया गया। वर्तमान के पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान वर्ष 1947 में या इससे पूर्व धार्मिक आधार पर मूल भारत भूखंड से पृथक हुए, जो भारत राष्ट्र की मूल सांस्कृतिक और स्वाभाविक स्वभाव के विपरीत था, लेकिन उस समय शायद मजबूरी थी। इस विभाजन के कारण उस समय और भविष्य में आने वाले परिणामों को ध्यान में रखकर 23 सितंबर 1947 को महात्मा गांधी ने एक सभा कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख हर नजरिए से भारत आ सकते हैं। अगर वे वहां निवासी नहीं करना चाहते हैं, उस स्थिति में उन्हें नौकरी देना और उनके जीवन को सामान्य बनाना भारत सरकार का पहला कर्तव्य रहेगा। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।